तो भाई इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड आपको चेकआउट कराते हैं, कैसा है इसका एग्जॉस्ट साउंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे होता क्या है ना कि अगर आप कहीं जंगल वंगल में चाहे फिर कहीं भी बाहर दूर एरिया में चले गए, आपका गाड़ी वहां पे खराब हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया, तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पे मोड के पास जाइएगा। मोड के पास जाने के बाद आपको क्या है, नीचे में डायग्नोस पे जाना है। डायग्नोस पे जाने के बाद आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है आपको सारा चीज यहाँ से सर बता देता है। टोटल 11,500 kg आप इसमें लोड करके इस गाड़ी को चला सकते हो। अब हम जानेंगे कि भाई गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है और इस गाड़ी को आप खरीदते हैं तो लोन फिनांस क्या हो सकता है, कम से कम आपका डाउन पेमेंट क्या जाएगा। तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त होंगे। दोस्तों अभी हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू आइसर प्रो 3015 की ये मॉडल है। भाई साहब इसका ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना तो कंपनी से जिसका ऑन रोड प्राइस आता है 29,50,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आता है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो तो अभी ऑफर चला इस गाड़ी पे और ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 25 लाख में मिलेगा। भाई 25 लाख में आपको आइसर का मिलता है और इसका जो एवरेज माइलेज है ना वो भी आप जानकर खुश हो जाओगे, क्योंकि ये सेगमेंट में इतना ज्यादा माइलेज और इतना ज्यादा फीचर्स के साथ 7 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है विथ एम बूस्टर्स। आप यहाँ पे देखोगे ना एम बूस्टर्स, यानी भाई माइलेज भी कहीं ना कहीं ज्यादा देगा। बॉडी का वेट भी आपको मैं बताऊंगा, टोटल 22 फीट का ये गाड़ी है। ये गाड़ी को आप एक बार दूर से देखोगे ना यहाँ पे तो ओवरऑल 22 फीट का ये गाड़ी है, सोच सकते हो 22 फीट का गाड़ी है। सारा कुछ डिटेल रिव्यू आज के इस वीडियो में करने वाला है, तो भाई वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और आ जाते हैं इसके फ्रंट पार्ट से। फ्रंट पार्ट बिल्कुल आप कुछ कुछ मैं हेल्प लूंगा, जो शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे हेल्प लूंगा, लेकिन जब तक मैं खुद से कर रहा हूँ करता हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहले भाई ये सेगमेंट में यहाँ पे आपको इतना बड़ा विंडशील मिलेगा, और दूसरा चीज ना विंडशील के पास आप ये देखोगे ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रिपिंग है ना ये और कोई भी सेगमेंट में नहीं आता है। इससे क्या फायदा होगा कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा टाइट पैक्ड है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी अंदर में थोड़ा सा कूल होता है। इसके साथ साथ ड्राइवर को भाई काफी लंबा समय तक गाड़ी चलेगा, काफी लंबा लंबा डिस्टेंस गाड़ी चलेगा, तो ड्राइवर को थोड़ा सा सेफ्टी भी तो चाहिए और कम्फर्ट भी तो चाहिए। इसके लिए एसी का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ एयर ब्लोअर मिलेगा और अगर आप चाहते हैं तो एसी लगा सकते हैं। फ्रंट में ये देख सकते हैं दो आपको स्मार्ट वाइपर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ ये हैंडल मिलता है जिसे आप पकड़कर आदमी पोछ हो सकता है, यहाँ पे इसके विंडशील को क्लीन कर सकता है। फ्रंट में होराइजन ट्रकिंग के साथ मिलता है जो कि आपको पूरे झारखंड में, आप अगर ये वीडियो झारखंड से देख रहे हो ना तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। बाकी बात करते हैं यहाँ पे तो आइसर का ब्रांडिंग मिलता है, आइसर का क्रोम के ट्रीटमेंट में लोगो मिलता है, और यहीं पे फ्रंट साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन में हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो बम्पर है ना ये आपको फुली मेटल का मिलता है, नीचे में टो हुक मिलता है, जैसे आपका गाड़ी कहीं खराब हुआ तो आप टो हुक के थ्रू गाड़ी को लेकर जा सकते हो। फ्रंट में ये जो चीज है ये आपको फुली मेटल का मिलता है, और भाई कॉमर्शियल गाड़ी में ये जो चीज देख रहे हो ना ये स्टीकर, ये आपको रात के समय में काफी ज्यादा विजिबिलिटी, काफी ज्यादा शाइनी प्रोफाइल देता है, ताकि थोड़ा सा अगले बंदे को लगे कि हाँ भाई कोई भारी भरकम गाड़ी आ रहा है कि नहीं सर। अब सर को बुलाते हैं थोड़ा सा, तो आ जाइए, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, बढ़िया। आप अब ये बताइए क्या क्या बेस्ट फीचर्स मिलता है, और सबसे पहले अगर आप किनारे से आते हो ना यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे इसका ये जो चीज है इसी में आपको अटैच मिलता है इसको चढ़ने के लिए। तो आ जाते हैं हम लोग सर केबिन एरिया से, आप सर उस साइड से बैठ जाइए, केबिन एरिया से बैठते हैं ऊपर में, और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ फीचर्स मिलता है अंदर में, उसके बाद आपको पेलोड कैपेसिटी भी बताते हैं, कैसे गाड़ी को खरीद सकते हैं, सभी कुछ ये वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, तो आप देखिए ओआरवीएम आप देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा आपको दो दो ORVM मिलता है। यहाँ पे एम बूस्टर प्लस का बैजिंग मिल जाता है, आइसर का बैजिंग मिल जाता है। गेट को खोलते हैं ना तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से ग्रैब हैंडल मिल जाता है, लॉक अनलॉक का यहाँ से मिल जाता है, और ये विंडोज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, और कुछ आपको सामान रखने के लिए छोटा मोटा अपना डॉक्यूमेंट रखने के लिए या फिर कोई भी सिक्का पैसा हुआ तो आप आराम से यहाँ पे थोड़ा सा रख सकते हो। चढ़ते हैं हम लोग फिलहाल गाड़ी पे, चढ़ने से पहले आपको मैं यहाँ पे ये देखिए ऐसे पकड़ना है और ऐसे काफी कंफर्ट के साथ गाड़ी पे चढ़ जाना है। भाई गाड़ी में बैठने के बाद है ना सबसे पहले कोई भी बात करता है सीट का, सीट क्वालिटी कैसा है, तो कहीं ना कहीं सीट के बारे में बात करें तो काफी प्रीमियम टाइप का सीट है, और ये सीट है ना ये एडजस्टेबल है। आप यहाँ से देखोगे तो इस चीज को मैं मूव करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे सॉकर है, ये देख रहे हो सॉकर है भाई सॉकर, यानी आप कहीं भी खराब रास्ता पे भी चल रहे हो तो ये वाला जो चीज है ना ये पूरा आपको कंफर्ट देगा, कहीं से दिक्कत उक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको सेवन स्टेप एडजस्टेबल सीट मिलता है, इसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे भाई ड्राइवर सो भी सकता है, देख रहे हो यहाँ से इस टाइप से ड्राइवर सो भी सकता है सीट को। तो चलिए आते हैं इसके मीटर कंसोल पे क्या क्या फंक्शन है वो चीज दिखाते हैं आपको। भाई सबसे पहले बताते हैं इसका मीटर कंसोल पे क्या कुछ फंक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे की को ऑन करना पड़ेगा,
की कॉन करने के बाद ये देख रहे हो आइसर का लोगो वेलकम कर रहा है भाई, काफी ज्यादा क्लासी लग रहा है यहाँ से ये देखिए। अब सर वन बाई वन करके बताइए फीचर्स क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में। सर सबसे पहले इको, इको पावर और इको प्लस, हाँ पावर और इको और इको प्लस है, हाँ ठीक है। तो पावर गाड़ी जैसे लोड गाड़ी हो तो पावर में चले तो पिकअप बहुत अच्छा रहता है, चगान के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हाँ ग्रेडेबिलिटी भी काफी सही रहता है जी। उसके बाद हम खाली हो गया गाड़ी इको प्लस में चलिए, एवरेज अच्छा निकलता है। अच्छा मतलब इको प्लस रहेगा एकदम गाड़ी खाली रहेगा तो इको प्लस में चलेगा तो एवरेज देगा, क्या कुछ एवरेज देगा वो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि कितना गाड़ी ये माइलेज देता है। और अगर नॉर्मल चल रहा है तो थोड़ा इको मोड में, ज्यादा पावर आपके गाड़ी में है तो थोड़ा पावर मोड में ऑन कर लीजिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये सर हमारा स्पीड है, स्पीडोमीटर जाना है, हाँ ठीक है, 100 का 60 का 80 का जो भी है ठीक है चलाते हैं। यहाँ पे फ्यूल गेज, फ्यूल गेज है, हाँ फ्यूल के बारे में बताता है, ये थीमल बताता है सीएनजी का, जो पहले अब गाड़ी आता है तो इसलिए सीएनजी का भी थीमल दे दिया है। अच्छा गाड़ी इस मॉडल में सीएनजी भी आ रहा है। अच्छा अच्छा फ्यूल का दिखा रहा है, यहाँ प्रेशर है जो कि इसमें मीटर से हम लोग सेट किया जाता है मोड में जाके, जो भी चेक करना है, हाँ यहाँ पे क्या करना है माइनस प्लस करके, हाँ रीसेट लैंग्वेज आ गया। अगर कोई ड्राइवर बाहर का है उसको लैंग्वेज नहीं पता तो वो अपना कोई भी लैंग्वेज करना है तो डीटीसी में, हाँ डायग्नोस। अब सर ये होता क्या है, डायग्नोस होता है जो डीटीसी गाड़ी में कोई दिक्कत है। अच्छा अच्छा, फोल्ड कोड होता है उसे ड्राइवर बताता तो हम लोग फोन पे भी हेल्प कर देते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहीं होने लायक होगा तो काम को। अच्छा अच्छा, जैसे होता क्या है ना कि अगर आप कहीं जंगल उंगल में चाहे फिर कहीं भी बाहर दूर एरिया में चले गए, आपका गाड़ी वहां पे खराब हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया, तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पे मोड के पास जाइएगा। मोड के पास जाने के बाद आपको क्या है नीचे में डायग्नोस पे जाना है। डायग्नोस पे जाने के बाद आपके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है आपको सारा चीज यहाँ से सर बता देता है ना। डोर खुला है तो डोर के बारे में बता, अभी देखिए अभी ड्राइवर साइड का डोर खुला हुआ है तो ये चीज बता देता है। पार्किंग ब्रेक लगल है तो हाँ, दिखा रहा है। अभी यहाँ देखिए पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है तो यहाँ पे दिखा रहा है ड्राइवर डोर ओपन है, पार्किंग ब्रेक इंगेज है, ट्रिप भी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी सारे फंक्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे, जैसे रीसेट हो गया, लैंग्वेज मेंटेनेंस, पासवर्ड, डिस्प्ले और मिलता है एक मैनुअल रिजनरेशन ठीक है। इसके अलावा आपको स्पीडोमीटर का आरपीएम मिलता है और यहाँ पे भी सारे ब्लोअर्स के इवेंट हो गए यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो, हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए। और सर ये बटन क्या चीज है, ये सर रीजेंशन के लिए है। अच्छा शूट लोड हमारा सिलेंसर में जम जाता है। अच्छा अच्छा, येलो बत्ती के बाद रेड बत्ती आता है। अच्छा अच्छा, उसके लिए रीजेंशन दबा के 5 सेकंड के लिए पार्किंग ब्रेक लगा दीजिए, गाड़ी न्यूट्रल कर दीजिए, अच्छा क्लच से ब्रेक से पैर हटा दीजिए, गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए, 5 सेकंड के दबा के रखे ऑटोमेटिक रीजेंशन लेगा, पार्क रीजेंशन जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसको ज्यादा स्पीड में जैसे चला रहे हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऑटोमेटिक रीजेंशन लेता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो पहले इस सेगमेंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता था, नहीं अब देने लगा है, लेकिन अब कंपनी म्यूजिक सिस्टम भी दे दिया भाई, ड्राइवर बोर हो जाता है तो म्यूजिक आराम से गाना वाना बजाते हुए चलेगा, मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलता था, डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिलता है और ग्लोव बॉक्स मिलता है। ग्लोव बॉक्स ये आपको फुली लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है, आप अगर कहीं भी इसको चाहिए तो लॉक वॉक करके भी जा सकते हैं। गियर की बात कर ले तो 7 स्पीड टॉप गियर के साथ आपको ये गाड़ी मिलता है, विथ रिवर्स के साथ मिलता है, आपको पावर ब्रेक यहाँ पे मिलता है, हैंड ब्रेक की बात कर ले तो यहाँ में मिलेगा, बाकी वाइजर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है और कुछ कुछ आपको स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बात कर ले लाइट की तो ये देखिए लाइट आपको यहीं पे मिल जाता है, बाकी इस साइड भी कुछ स्पेस मिलता है और पीछे से अगर बात कर ले तो पीछे से भी काफी ज्यादा स्पेस मिलता है, ड्राइवर को सोने के लिए एक स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बाकी गाड़ी में अभी देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग 3-4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग 3-4 लोग गाड़ी में है लेकिन गाड़ी फिर भी कंफर्टेबल है क्योंकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा कि इसमें ज्यादा थोड़ा सा नहीं होता कि अगर कम स्पेस है ज्यादा 3-4 लोग आ जाते हैं तो थोड़ा हॉचपॉच टाइप से लगता है, तो वैसा कुछ नहीं है। केबिन एरिया जो है वो 2 फीट का है और 2 फीट में काफी ज्यादा सफिशियंट है, पीछे भी ड्राइवर को सोने के लिए सीट है, आप आराम से सो सकते हैं। और मीटर कंसोल तो आप देख ही रहे कितना ज्यादा फीचर से लैस है ये गाड़ी। अब चलते हैं आपको थोड़ा सा इसका टायर सेक्शन दिखाते हैं, इसका चेसिस क्या है, बाकी आप दिखाते हैं आपको सारा कुछ पीछे में क्या कुछ। तो भाई केबिन एरिया आपको दिखा दिए, अब साइड से आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका टायर से, तो आप यहाँ पे देखोगे जीतवे का आपको यहाँ पे इसका टायर ऑफर करते हैं कंपनी 9.0 का R20 20 इंच का, यानी 20 इंच के साथ आपको इसका फ्रंट का टायर मिलेगा। इसके साथ साथ ट्रेवल देख रहे हो, काफी ज्यादा ट्रेवल मिलता है। और सस्पेंशन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देखोगे कि 6-7 कमानी पट्टे के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन मिलता है, पैराबोलिक टाइप का आपको सस्पेंशन मिलेगा। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो इस साइड से अगर आ जाए तो सर यहाँ पे एक साइड का बैटरी है ना जी सर, और इसके साथ ये क्या चीज है, प्रेशर टैंक है सर। अच्छा ये प्रेशर टैंक है, कटआउट है। अच्छा ये कटआउट हो गया, प्रेशर टैंक हो गया, बाकी यहाँ पे अगर बात करें यूरिया टैंक का कैपेसिटी कितना है, 27 लीटर। अच्छा ये 27 लीटर के साथ। और फ्यूल टैंक का कैपेसिटी की बात करें 160 लीटर का भाई ये चीज आता है, ये 160 लीटर का। और पता है
कॉमर्शियल गाड़ी में अब क्या होता है ना कि देखते हो आप रील व्हील में या फिर वीडियो में देखते हो कॉमर्शियल गाड़ी से ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो अब वो चीज थोड़ा सा कम होगा। होता क्या है, जनरली लोग गाड़ी चलाते हुए आते हैं, कट मारने के चक्कर में गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं, तो कंपनी इसको देखते हुए यहाँ पे गार्ड लगा दिया है ना, यहाँ पे गार्ड लगा दिया ताकि अब कोई ड्राइवर बाइक वाला है तो घुसेगा नहीं, क्योंकि घुसता है भाई ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है वो थोड़ी देखेगा। तो ये चीज को सेफ्टी करने के लिए कंपनी ने अपने आप से यहाँ पे ये चीज दे दिया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्लेक्टर आपको चारों तरफ मिलेगा, क्योंकि भाई कॉमर्शियल गाड़ी है तो रिफ्लेक्टर तो बनता है। इसके साथ साथ बॉडी की अगर बात कर ले तो कुछ इस टाइप से बॉडी है, लेकिन आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके नीचे साइड से दिखा देता हूँ। तो आप नीचे में यहाँ पे देखोगे तो जेके का टायर मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन जेके का टायर है। और वहीं पे मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ तो 9.00R20 20 इंच के आपको यहाँ पे इसके मिल जाते हैं। और सर रियर का सस्पेंशन थोड़ा सा आप बताइए, पीछे का क्या सस्पेंशन है, आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा तो पीछे का कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे बोगी के जैसा सस्पेंशन मिलता है। बोगी है और मतलब लोड गाड़ी में दबता नहीं है। अच्छा, लोड गाड़ी में दबता नहीं है, सस्पेंशन काफी ज्यादा है, ठीक है। और चेसी की अगर बात कर ले तो चेसी बहुत अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ डिफेक्ट नहीं मिलता है कस्टमरों से, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अच्छा, गलत रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक, आप सही सही बताइएगा ये गाड़ी में क्या कुछ दिक्कत होता है। गाड़ी में सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मतलब कुछ कुछ तो माइनर दिक्कत होता होगा ना, माइनर इसमें कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का गाड़ी है तो कोई दिक्कत, गाड़ी है तो थोड़ा बहुत वो तो कॉमन सी बात है, नहीं है। अच्छा अच्छा, और अब बात करते हैं इसका पेलोड कैपेसिटी का। भाई 11,500 केजी का इसका पेलोड कैपेसिटी मिलता है। टोटल ग्रॉस वेट की बात करें ना, इस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो आपको 17,500 केजी का है, यानी गाड़ी का जो कुल वेट है वो 6500 केजी का गाड़ी का कुल वेट है, 11,500 पेलोड कैपेसिटी है और ग्रॉस वेट आपको 17,500 केजी का ग्रॉस वेट मिलता है। पीछे का कुछ ये लुक है भाई, पीछे में आप देखोगे तो आइसर का ब्रांडिंग मिल जाता है, स्टिकर मिल जाता है, सेंसर दिया है, रिवर्स करते हैं हाँ, तो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलता है इस गाड़ी में, ताकि बैक करने में थोड़ा सा आवाज आता है, ताकि कोई दिक्कत उक्कत नहीं हो, रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ मिलता है। और अब आते हैं थोड़ा सा इस गाड़ी के अंदर में, थोड़ा घुसते हैं, अब आते हैं इस गाड़ी के अंदर में घुसते हैं थोड़ा सा, तो सर आप भी थोड़ा सा हमारा मदद करिए, अंदर घुसते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे स्पेस आप देखोगे ना तो एक छोटा मोटा चलता फिरता घर भी हम इसको कह सकते हैं। टोटल 11,500 केजी आप इसमें लोड करके इस गाड़ी को चला सकते हो। अब हम जानेंगे कि भाई गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो कम से कम भाई डाउन पेमेंट क्या जाएगा, तो बात करते हैं सबसे पहले एवरेज माइलेज की ना सर जी। एवरेज माइलेज क्या देता है सर के मुंह से सुनेंगे हम, बताइए। 8 के एवरेज कम से कम देता है, लोड बॉडी में, लोड नहीं खाली में, खाली में 7.57 मतलब भाई अगर आपका गाड़ी कहीं खाली चल रहा है, इकोनॉमी प्लस में चला रहे हो, तो 8 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये माइलेज देती है। और वहीं आपका गाड़ी में फुल गाड़ी को लोड करके रखे हो तो आपका ये जो गाड़ी माइलेज देगा वो लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये कंपनी का क्लेम है कि माइलेज देता है। लेकिन अगर आप भी आइसर की ये गाड़ी यूज कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये गाड़ी माइलेज कितना देती है। और वहीं बात करते हैं कि भाई कौन से लोग ये गाड़ी को खरीद सकते हैं, तो हाँ गाड़ी तो भाई सब कोई खरीद सकता है, लेकिन थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि क्या कुछ है। अगर पहले से वो कस्टमर का गाड़ी है उनके पास, या फिर कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी एक दो रखे हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है कि जल्दी से जल्दी फाइनेंस हो जाता है। और कम से कम डाउन पेमेंट की बात करें तो जो भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस या फिर एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है उसका लगभग 20 से 25% उनको देना होगा। यानी अगर बात कर ले इस गाड़ी का तो ऑन रोड प्राइस कंपनी की तरफ से जो है वो 29,49,000 रुपए के आसपास है, लेकिन कंपनी की तरफ से डिस्काउंट और सारा छूट उट देकर वो 25 लाख रुपए में इस गाड़ी को छोड़ेंगे। तो अगर आप डाउन पेमेंट कराना चाहते हैं तो कस्टमर के सिविल से भी पता चलता है बाकी क्या कुछ है उनका सिविल में, पहले से गाड़ी खरीदे हैं तो क्या उनका सिविल स्कोर रहा है, सारा कुछ देखने के बाद आपको ये गाड़ी आइसर का मिल जाता है। तो भाई इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड आपको चेकआउट कराते हैं, कैसा है इसका एग्जॉस्ट साउंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो भाई ये था आइसर का 30-15 जो कि आप गाड़ी देख रहे हैं। बाकी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया, लोन फिनांस के बारे में बता दिया कि आपको कैसे लेना है ये गाड़ी को, अगर खरीदना है तो आप 20 से 25% इस गाड़ी का आप दे सकते हो। टोटल 7-स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी मिलती है। और ये जो होराइजन का ट्रकिंग मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका ऑल ओवर झारखंड में लगभग हर जगह पे इसका शोरूम है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। भाई गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।